अबाउट एडिशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे मन में आएगा कि मैम ने बोला एडिशन, तो एडिशन है क्या? लुक एट हियर, ये मैंने लिखा है एडिशन। इसको पहले रीड करते हैं, ए डी डी आई टी आई ओ एन, दिस इज अ स्पेलिंग ऑफ एडिशन। ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग में ही देख रहे होंगे, स्टार्टिंग में ही ये लिखा है ए डी डी, ए डी डी, ए डी डी। इसका मतलब होता है एड का मतलब जोड़ना, प्लस करना। ठीक है, क्या जोड़ना? जितने आपके पास ऑब्जेक्ट हैं उन्हें टोटल करके बताना। ठीक है, अभी हुआ कि एडिशन है क्या। एडिशन क्या है? ऑल टुगेदर उसको जोड़ करके बताना कि व्हाट इज एडिशन। एडिशन इज अ टोटल ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर या पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, नाउ मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी देने जा रही हूँ जिससे आपको एडिशन है क्या इसका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लुक एट हियर केयरफुली, ओके। लुक एट हियर, आई हैव वन पेन इन माय हैंड। मेरे हाथ में आपको एक पेन दिख रहा है। ठीक है, नाउ आई हैव वन मोर पेन एंड इस पेन को भी मैं एक साथ कर रही हूँ, ऑल टुगेदर कर रही हूँ। नाउ हाउ मैनी पेन आई हैव, मेरे साथ बोलेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग में बोलेंगे, वन टू, काउंट देम अगेन, वन टू, टू पेन। ओके, कितने हैं? टू पेन्स हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर, आई हैव वन मोर पेन, मेरे पास एक और पेन आ गया है एंड इस पेन को भी मैं ऑल टुगेदर इस पेन के साथ ला करके इसको इसका फ्रेंड बना देती हूँ। अब मैंने इसका फ्रेंड बना दिया। नाउ इन माई हैंड हाउ मैनी पेन्स आर देयर, काउंट, फॉरवर्ड काउंटिंग, ओके, वन टू थ्री, नाउ आई हैव थ्री पेन्स इन माई हैंड। नाउ लुक इट हियर, आई हैव टू मोर पेन अगेन, मेरे पास दो और पेन आ गए हैं एंड वन हैंड में आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास थ्री पेन्स हैं एंड मेरे सेकेंड हैंड में आपको दिख रहा होगा कि अभी टू पेन्स और हैं। अब मैं इन सारे पेन्स को एक साथ ऑल टुगेदर कर दे रही हूँ। नाउ काउंट देम एंड फॉरवर्ड काउंटिंग कि अब मेरे पास कितने पेन्स हैं। चलिए मेरे साथ काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, हाउ मैनी पेन्स इन माई हैंड, देयर आर फाइव पेन्स। ओके, तो अभी आपको एडिशन का मीन समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज एडिशन? एडिशन इज अ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, आर नंबर्स, आर थिंग्स। ओके बच्चों, अभी तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एडिशन क्या है। आइए हम एडिशन का अपसाइन देखते हैं और ये देखते हैं कि एडिशन करते कैसे हैं। साइन ऑफ एडिशन, एडिशन का साइन, वन स्टैंडिंग लाइन एंड क्रॉस करते हुए वन स्लीपिंग लाइन, ओके, वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन। अगेन देखेंगे, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, एडिशन, साइन ऑफ एडिशन, ओके। अभी आपको पता चल गया कि एडिशन का साइन क्या है। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने एडिशन का मीन समझ लिया होगा कि व्हाट इज एडिशन एंड व्हाट इज द साइन ऑफ एडिशन। ठीक है, आइए अब हम लोग सीखते हैं कि एडिशन को करना कैसे है। एंड आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देखिए तो आप लोगों को टू नंबर सेट दिख रहे होंगे। ठीक है, वन इज 34 प्लस 12, ठीक है, एंड सेकेंड इज 52 प्लस 21। इसको आपको ऐड करना है। तो एडिशन जब भी हम करते हैं तो पहले हम अपने राइट हैंड साइड से करना स्टार्ट करते हैं। तो आप भी अपने राइट हैंड साइड से करना स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे अपने राइट हैंड को पहले रेज करिए लाइक दिस, ओके, ये आपका राइट साइड है, मैच करो, ये आपका राइट साइड है।
और हम इधर से करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके पास नंबर क्या है, 2 है और 1 है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 1 2, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया एंड 1 लाइन ड्रॉ किया एंड इनको और इनको 1 2 3 करके ऐड कर दिया 3। ये भी अच्छा पैटर्न है, एजी पैटर्न है। लेकिन आपके सामने मैं एक स्मार्ट पैटर्न लाना चाहती हूँ, उसको देखो। इसमें क्या है कि आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा और आप मैजिक मैथ्स की तरह से अपने माइंड में कैलकुलेट करोगे और उसे फटाफट से आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका राइट हैंड साइड में नंबर है, इसमें से जो टॉप नंबर है इसको आपको अपने माइंड में लेना है। लाइक यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2। सो 2 इन योर माइंड, ओके। लिसन केयरफुली एंड बी अटेंटिव, 2 इन योर माइंड, 2 को आपके माइंड में लेना है एंड 1 इन योर फिंगर, 2 इन योर माइंड एंड 1 इन योर फिंगर, 2 इन योर माइंड एंड 1 इन योर फिंगर एंड काउंट आफ्टर 2, 2 के बाद काउंट करेंगे, तो 2 के बाद क्या होता है, 3, ओके। ये आपका हो गया 3। नाउ नेक्स्ट नंबर 5 एंड 2, सो माइंड में क्या लेंगे आप, 5 इन योर माइंड एंड 2 इन योर फिंगर एंड काउंट आफ्टर 5। आपको माइंड में 5 लेना है, 2 अपने फिंगर्स में लेना है, ठीक है। टेक आउट योर 2 फिंगर्स एंड काउंट आफ्टर 5 के बाद का काउंट करना है, 5 से पहले का काउंट नहीं करना है, 5 के बाद वाले नंबर को काउंट करना। तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 7। इज इट क्लियर, एक बार और देखेंगे हम। 2 इन योर माइंड एंड 1 इन योर फिंगर एंड काउंट आफ्टर 2, आफ्टर 2 3, 5 इन योर माइंड एंड 2 इन योर फिंगर्स, 5 काउंट आफ्टर 5, 6 7, 73। सो बच्चों 52 प्लस 21 इज इक्वल टू 73। इज इट क्लियर, एक और एग्जांपल देखते हैं, 34 प्लस 12। नेक्स्ट क्या है, 34 प्लस 12। चलिए अभी हम अपने माइंड में क्या लेंगे, यस 4, 4 इन योर माइंड एंड टेक आउट योर 2 फिंगर्स, 4 इन योर माइंड, 4 एंड 2 इन योर फिंगर्स एंड काउंट आफ्टर, यस काउंट आफ्टर 4, 5 6, 4 इन योर माइंड, 2 इन योर फिंगर्स एंड काउंट आफ्टर 4 5 6। सो नंबर इज 5 6, ओके। नाउ नेक्स्ट 3 इन योर माइंड, कौन सा नंबर लेंगे आप अपने माइंड में, 3 एंड कितने फिंगर्स निकालेंगे, टेक आउट योर 1 फिंगर, ओके एंड काउंट आफ्टर 3 3 4। सो 34 प्लस 12 इज इक्वल टू 46, ओके। जो नंबर आपके, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको राइट हैंड साइड से एडिशन स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं स्टार्ट करना है, ओके। राइट हैंड साइड से, एंड राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, वंस, एंड लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं टेंस। तो वंस से हमें स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से हमको स्टार्ट करना है, ओके। राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, जो नंबर आपके टॉप पर है उसे अपने माइंड पर रखेंगे, माइंड के पास कहेंगे तुम यहां रुको, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उतने फिंगर्स निकालेंगे आप, ठीक है। अगेन देखिए, 2 इन योर माइंड, 1 योर फिंगर एंड काउंट आफ्टर 2, दैट इज 3 3, 5 योर माइंड एंड 2 टेक आउट योर 2 फिंगर्स, 5 6 7, दैट इज 73, 4 इन योर माइंड एंड 2 इन योर फिंगर्स, काउंट आफ्टर 4 5 6 6, 3 इन योर माइंड एंड 1 इन योर फिंगर्स, ओके 3 काउंट
after three. Three count after three. That is three after one. Yes, four. That is 46. Okay. अभी आपको सिंपल एडिशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम थोड़े से एडिशन विथ कैरी देखेंगे. ठीक है, जो बिग नंबर्स होते हैं उनको कैसे ऐड करना है ये हम देखने जा रहे हैं. तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने सिंपल एडिशन देखा. ठीक है, अभी हम क्या सीखेंगे? एडिशन विथ कैरिंग. एडिशन विथ कैरिंग का मतलब कि बिग नंबर्स को कैसे ऐड करना है वो हम देखेंगे. तो आइए, अभी हमारे सामने है 75 प्लस 26. क्या नंबर है? 75 प्लस 26. स्टार्ट हमको किस साइड से करना है आप बताइए. यस, हमें स्टार्ट राइट हैंड साइड से करना है. ठीक है, तो आपको कौन सा नंबर दिख रहा है टॉप पर? टॉप पे आपको क्या दिख रहा है? 5. ठीक है, टॉप पर आपको 5 दिख रहा है. तो 5 इन योर माइंड. ठीक है, 5 इन योर माइंड. एंड टेक आउट योर 6 फिंगर्स. 5 इन योर माइंड एंड टेक आउट योर 6 फिंगर्स एंड काउंट आफ्टर 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. कितने नंबर्स आए? 11 आए. ठीक है, अब 11 का राइट हैंड साइड अगेन. 11 का राइट हैंड साइड हम लिखेंगे यहां पर एंड लेफ्ट हैंड साइड को हम इस नंबर के ऊपर लिखकर एक सर्कल बना देंगे. अगेन देखो, 5 इन योर माइंड, टेक आउट योर 6 फिंगर्स, टेक आउट योर 6 फिंगर्स एंड काउंट आफ्टर 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. कितना आया? 11 आया. अब 11 का राइट हैंड साइड हम यहां लिखेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड को हम जो इसके पास वाला नंबर है, इसका फ्रेंड नंबर, उसके टॉप पर लिख देंगे. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब हम इसको ऐड करेंगे. ओके, कैसे ऐड करेंगे? 7, इसे अभी यही रहने दीजिए. अब हम 7 अपने माइंड में लेंगे. 7 इन योर माइंड एंड 2 इन योर फिंगर. 7 इन योर माइंड एंड टेक आउट योर 2 फिंगर एंड काउंट आफ्टर 7. 8, 9. ओके, कितना आया आपके पास? 9 आया. अब इस 9 में हम इसको ऐड कर देंगे. ठीक है, नाउ 9 इन योर माइंड एंड 1 इन योर फिंगर एंड काउंट आफ्टर 9, दैट इज 10. अब ये हो गया 10. तो 75 प्लस 26 इज इक्वल टू 101. 5 एंड 6 को ऐड किया, हमारे पास नंबर आया 11. 11 का राइट हैंड साइड हमने यहां लिखा एंड लेफ्ट हैंड साइड को इसके फ्रेंड वाले नंबर के टॉप पे लिख दिया. अब क्या करेंगे? इसको यहीं पर रहने दो. 7 को अपने माइंड में लेंगे, 2 को अपने फिंगर्स में लेंगे एंड काउंट आफ्टर 7. 8, 9 आया. ठीक है, नाउ 9 को हम अपने माइंड में लेंगे. अब इसे देखेंगे, टेक आउट योर 1 फिंगर एंड काउंट आफ्टर 9, 10. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, अभी हम दूसरे नंबर्स को ऐड करते हैं. दूसरा नंबर हमारे पास क्या है बोर्ड पर देखिए आप लोग. यस, 98 प्लस 17. अब इसको ऐड कैसे करेंगे? सेम, पहले हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. माइंड में क्या लेंगे? यस, 8 लेंगे. एंड हाउ मेनी फिंगर्स वी हैव टू टेक इन आवर फिंगर्स? हाउ मेनी नंबर? 7 नंबर. सो टेक आउट योर 7 फिंगर्स. 8 इन योर माइंड, 7 इन योर फिंगर्स एंड काउंट आफ्टर 8. क्या होगा आफ्टर 8? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. कितना आया? 15. ओके, सेम लाइक 15 है. फिर हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे और लिखेंगे इसके नीचे एंड 1 को क्या करेंगे? इसके पास के, इसके फ्रेंड के पास हम 1 को रखेंगे. ओके, अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे. अब हम क्या लेंगे अपने माइंड में? 9. 9 इन योर माइंड एंड 1 इन योर फिंगर. ओके, और काउंट आफ्टर
काउंट आफ्टर नाइन, नाइन आफ्टर टेन, टेन आया। अब हम क्या करेंगे? यस वेरी गुड, इस टेन को अब नाइन मिलेंगे और फिंगर्स कितने लेंगे? वन। अब टेन के बाद से काउंटिंग, ओके, काउंट आफ्टर टेन एलेवन। अब इसको ऐसे लिख देंगे, ओके। आइए अब वन एग्जांपल और करते हैं, इसको भी ऐड करते हैं। सेम हम राइट हैंड साइड से अपने स्टार्ट करेंगे, ओके बेटा। एंड कितने फिंगर्स निकालेंगे और कितने अपने नंबर को माइंड मिलेंगे? टॉप के नंबर को माइंड मिलेंगे, ठीक है। थ्री इन योर माइंड एंड सेवन इन योर फिंगर, सो टेक आउट योर सेवन फिंगर्स, ओके। एंड काउंट आफ्टर थ्री, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन, ओके। सेम राइट हैंड साइड के नंबर को हम यहां लिखेंगे एंड वन को हम इसके फ्रेंड को पास रखेंगे। एंड अब क्या करेंगे? सिक्स इन योर माइंड, एंड ये क्या है? ये तो जीरो है, तो जीरो मतलब तो कुछ नहीं, तो हम सिक्स को ही रहने देंगे। अब हम कितने फिंगर्स निकालेंगे? वन फिंगर, ठीक है, क्योंकि जब हम सिक्स और जीरो को ऐड करेंगे तो कितना होगा? सिक्स, ओके। तो सिक्स इन योर माइंड एंड वन इन योर फिंगर, वन। एंड काउंट आफ्टर सिक्स, सिक्स वन सेवन। इज इट क्लियर? आई होप आपको आज एडिशन, सिंपल एडिशन एंड एडिशन विथ कैरी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।